तो हे गाइस, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल, आर बोले तो हमारा और आपका। तो मैं तो नहाया तो नहीं हूँ अभी तक, पर बाल मेरे ऐसे सेट हो गए उठे। तो अभी हम जाने वाले हैं बाहर घूमने, क्योंकि बुआ जी का लड़का आया था, उसको बहुत ज़्यादा घूमना था, बुआ जी को भी बहुत ज़्यादा घूमना है। तो इसी वजह से आज हम जाएंगे बाहर, निको पार्क भी जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो मैं देखता हूँ पहले कौन क्या कर रहा है। वैसे तो रेडी हो रहे थे, रेडी होने के लिए बोला था। तू खाना क्यों बना रही है? अब है जाना नहीं है निको पार्क? हाँ, खाना बना के फिर जाना है। तब जाएगी? क्या हाँ, बना रही है फिर? अंडा, फिर भाजी, इतना ही। तू ढंग से बना तो पाएगी ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा तेरे पे। खा के देखो, अच्छा बनाती हूँ। वो बॉइल कर दिया जो दो और बोले थे? हाँ, हाँ। तो मो यहाँ बैठ के चाय पी रही है। अरे तुमने ये क्या मंगा लिया अब? तुम्हें तो रेडी होने के लिए बोला था, और ये क्या है अब? हैं? मत बनाओ, ये क्या है? मैं ये मंगाया। रोने की क्या बात है फिर? है क्या ये? क्यों मंगाया? और चाहिए था। तुम रो क्यों रही हो? रो मत। अच्छा ठीक है, मंगा लिया तो ठीक है, पर है क्या ये तो बता दो। मेरा पैर फट जाता है इसके लिए। तुम बाहर तो लेके नहीं जाते, मैं भी कर सकता हूँ ना। एक का ही फायदा तो नहीं होगा ना। तुम्हारा पैर फटता नहीं है, मेरा पैर फटता है, इसलिए मैं कर रही हूँ। पहले रोना बंद करो। कैसे यूज करना बताओगी? बताऊंगी। चलो ठीक है, रोना बंद करो और जाके रेडी हो। ये अगारो का इलेक्ट्रिक कैलस रिमूवर, वाटरप्रूफ, IPX6, इंटरचेंजेबल 3 रोलर हेड्स और 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। चलो देखते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। एक मिलती है मेन यूनिट, एक मिलता है रोलर हेड कैप, और 3 आपको रोलर हेड मिलते हैं विच यू कैन यूज फॉर डिफरेंट टाइप, और आपको एक मिलता है ब्रश और एक मिलती है चार्जिंग केबल। यूनिट को यूज करने से पहले कवर हटा दें, ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है और नीचे मिल जाता है बैटरी इंडिकेटर। अगर आप ऑन ऑफ के बटन को 2 बार दबा देते हैं तो आपको मिल जाता है 2 स्पीड ऑफ सेटिंग, और आप बॉटम में देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट। तो बात करते हैं इसको कैसे यूज करना है। यूज करना बहुत ही आसान है। अन्वेषा जो हेड का यूज कर रही है वो है रेगुलर ग्राइंडेड हेड। तो पहला जो आपका हेड है वो है फाइन ग्राइंडेड हेड, आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। सेकंड है रेगुलर ग्राइंडेड हेड, जिससे आप डेड स्किन को रिमूव कर सकते हो। थर्ड है कोर्स ग्राइंडेड हेड, बिल्कुल ही जो आपकी हार्ड स्किन है और कैलस को रिमूव कर सकते हो। आपको जेंटली अपने फीट के अराउंड इसको मूव करना है, सो इजिली आप अपनी डेड स्किन को रिमूव कर सकते हो। और सबसे खास बात, आपको ब्रश तो मिलता ही है साफ करने के लिए, बट आप इसको डायरेक्ट पानी में भी धोके साफ कर सकते हो। हेड चेंज करना बहुत इजी है, लगाने के लिए ऐसे पुश भी कर सकते हो, और इसको रिमूव करने के लिए आपको बटन दिया गया है, उसको प्रेस करके रिमूव भी कर सकते हो। चार्जिंग के लिए इस पार्ट को यहाँ पे इंसर्ट करना है। 3 घंटे के चार्ज में आपको मिलता है 120 मिनट्स ऑफ यूज। तो आपको कैसा लगा अगारो का इलेक्ट्रिक कैलस रिमूवर? व्हाट यू गाइस वेटिंग फॉर? जल्दी से ऑर्डर कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैनल आर बोले तो हमारा और आपका। सो आज का दिन अभी से स्टार्ट होने वाला है, व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग कलकत्ता में घूमेंगे, जो चीज है, जो अनसीन है, मैंने भी नहीं देखा, वो सारा चीज घूम के आज आप सबको साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मेरा पति क्या करते रहते हैं, ड्रेस लगा के गया, मुआ बोल रही थी, मतलब मेरी बुआ बोल रही थी, आज भी जान में यही पहनोगे ना? कुछ देने का यही फायदा होता है, शिवम को यूज करता है। हम लोग निकलने वाले हैं अभी, यह चीज आप सबको दिखा देंगे। मेरा भाई है, एक ही ड्रेस नहीं पहना है, उसने ड्रेस चेंज कर लिया है, और मैंने कहा सेव हो, हर रोज एक ही ड्रेस पहनते हैं, इसलिए की बात मेरे दिल में लग गई, इसलिए चेंज कर दिया। हाँ, मो ने बोला इसलिए चेंज किया ना शिवम, नहीं तो नहीं करते ना तुम? नहीं करता है यार, मैं ऑब्वियस सी बात है, कभी एक कपड़े पहन के निकला हूँ, जैसे मैं दो दिन एक कपड़े पहन के निकली थी। मेरा हर रोज नया रहता है, वो पुराने वाला पहनने वाला था, आज मेरे कहने से नया वाला पहना है। तो आप लोगों को क्या लगता है, शिवम एक ही ड्रेस पहन के निकलता है या फिर ड्रेस चेंज करके निकलता है, ये एक बार बता दो शिवम के फैंस जो है। मैंने एक फूल दिया था शिवम, ये मर गया फूल, रखा है संभाल के, देखो तुम्हारी तरह। मेरे बर्थडे में मैंने इसको इतना बड़ा बुके दिया था, अगले दिन ही वो घर के बाहर पड़ा हुआ था, उसकी वीडियो अभी तक है मेरे पास, मैं चाहूँ तो इसमें डाल दूंगा। किसी के लिए कुछ करो, वो यहाँ कूड़े में फेंक देता है, देखो ये वैल्यू आजकल प्यार की। गाइस लड़ाकू विमान है,
हार्ट तू मेरी जान है, बिस्तर ये तेरा मेरा, अरे जंग का ऐलान है, मैदान है। चलो अभी तो आ चुके थे निको पार्क में, तो ऐसा हो गया कि हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए, 4:40 बज गया है, तो आने का कुछ फायदा है नहीं। जो होता है ना उनके लिए है, तो इसको फ्री मिल गया टिकट। ये 80 सेंटीमीटर से और भी छोटी है, घुटना देख रहा है, घुटने 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 हटा। हाँ छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची का फकना चेहरा है। मतलब आ चुके हैं निको पार्क में गाइस, इट्स ए ट्रेन। ये कमेंट में बता देना, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो इतना टाइम से कोलकाता में हम लोग नहीं घूम रहे थे ना, फोन आई है जब से ही हम कहीं कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। और पहली बार जब हम लोग कोलकाता पे आए थे दीदी नंबर खेलने के लिए, उस टाइम ही हम लोग थोड़ा बहुत घूमे थे जल्दी जल्दी पे, बहुत हड़बड़ी में। हम लोग सोच रहे हैं कि बोटिंग करें, 50 रुपीज पर हेड है बोटिंग का। मैं सारा चीज आप लोगों को बोल दूंगी जो जो हम लोग घूमेंगे सारा। सो हम लोग बैठने वाले हैं सारे के सारे, सारे के सारे बैठ गए। तो फाइनली हम लोगों को 15 मिनट में, 15 या 20 मिनट, 15 या 20। अभी से मतलब ऐसा हो गया छोटी का हालत, डर लग गया छोटी को। शिवम बोल रहा है कि यहाँ से घुमा के चले, और ये बोल रहे हैं कि नहीं हम लोगों को घूमना है। मेरे को पानी ज्यादा डर लगता है। प्यारा सा एक छोटू सा आइलैंड है, अपने घुटनों की सर्जरी करवानी पड़ेगी गाड़ी से। ये दोनों यहाँ पर भी लग गए, बाय बाय। शिवम यहाँ पर बैठ गया है, आप लोग ढूंढ के दिखाना शिवम का। ये हो गया शिवम, ये हो गया। इतने एक्सपेक्ट मिलता है, आ गए खाने के लिए उस वहाँ पर। इतना बढ़िया लोकेशन है, देख सकते हो आप। तबीयत अचानक से बहुत डिटोरेट हो गया, पूरा टाइम से कुछ नहीं खा रही हूँ मैं। हम लोग सिर्फ बस घूम ही रहे खाने पे आ गए। तो ये बिग बॉस हाउस लगता है, इसने ही बोला था पहले, रख दिया बिग बॉस हाउस। वसूल हो गया मौका, पैसा वसूल हो गया। नीचे भी बैठ सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बहुत कुछ आना बाकी है, तो अभी आ चुकी है पेरी पेरी फ्राइज। और मंगाया तुमने सोते, बट सोते अच्छे से नहीं किया इन लोगों ने। फिर आ गया हमारा कॉफी, बाद ये सारा ड्रिंक्स आ गया। ये क्या है भाई? मसाला सोडा। ये क्या शेक है शिवम? मैंगो। शिवम भाई, तुम्हारा सॉस का है, तुम तो सॉस भी ना खाते भी नहीं हो। मैंने बोल लिया जो सॉस मेरे को पसंद है ना, फजीता के साथ। हाँ। वो मंगा रहा हूँ मैं। मेरे लिए कॉफी मंगवा दिया है जान, इसके पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। हम लोगों को जाना था स्विमिंग करने, ठीक है। हम लोग 4 बजे निकले थे, मतलब 4 बजे वापस जाके पहुंचे थे, तो हुआ नहीं था। क्यों स्विमिंग में जाना था? क्योंकि मेरा भाई यहाँ पर आया हुआ है। उसने नहाया नहीं आज। हाँ, तो उसका एक वक्त भी है, वो सुना दे एक बार। कपड़े खरीद के गाड़ी में ही चेंज करके स्विमिंग पूल में डायरेक्ट चला जाऊंगा, घर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका अलग ही टशन चलता है, इसको इतना स्विमिंग का क्रेज लगा है ना। अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल है, बट ऑब्वियसली मतलब वो लोग अलाउ नहीं करते, बिकॉज ऑफ वी हैव टू वेयर स्विमिंग कॉस्ट्यूम। लोग आ चुके हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए, तो भाई लोगों को खरीदना है, तो इसके वजह से हम लोग आ गए अभी खरीदने के लिए। शिवम को ही दिखेगा कि शिवम थोड़ा लाइट कलर का पहन के आया है। क्या हुआ? ओडी वोडी वालों की पार्किंग है, नीचे है डिकैथलॉन की, और हमने यहाँ पे खड़ी कर दी अपनी गाड़ी। तुम्हारा तो बर्थडे खत्म हो गया, शॉपिंग खत्म क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा? मेरा नहीं है, इसका शॉपिंग है। हाँ, तुम लोगों का तुम्हारा बर्थडे खत्म हो गया, शॉपिंग खत्म नहीं होता इन लोगों का। ड्रामा स्टार्ट हो गया दोनों भाइयों का। देखो बोल रहे की लेडीज वाला लो, लेडीज वाला लो, ये वाला लेडीज का। मैंने जेंट्स वाला ही ले लिया, बाल तो साला है ही नहीं दिमाग में। हाँ सही है, लग रहे हो। खरीद लिया क्या? हाँ खरीद लिया। मेरे लिए तो खरीदा नहीं तुमने, तुम जाती ही नहीं, तुम्हें तैरना ही नहीं आता, डूब जाओगी। हाँ। तुमको आता है तैरना?
और क्या, उसको घंटा कुछ नहीं आता, ड्रामा इनका ज्यादा होता है। और एक चीज बता देती हूँ, अपने बीवी के लिए कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता भाई। मैं सच बता रही है, मैं कुछ भी नहीं करता। अब बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें। बात खत्म, सुन लिया ना, आपके पति भी ऐसा करते हैं तो फिर प्लीज बता। यूजलेस फेलोस, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? ये टूटा पुटा ना, फिर तुमको ही देके जाना पड़ेगा। कसम दिया पैसा बर्बाद मत करो, 50 रुपए में बर्बाद मत करो। हाँ, एक भी ये भी नहीं दूंगी फिर। चलो मत दो, ये दे दो। हाँ, तुम्हें पता है तुम कितने ड्रामेबाज हो। नहीं नहीं, 50 रुपए में नहीं। क्यों करना, क्या करोगे बच्चा? तुम गोल्फ खेलोगे? अरे इसके लिए गोल्फ के लिए ना तुम्हें वो बहुत बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, ठीक है? गोल्फ खेलेगा। जल्दी रखो कसम दिया है। रखो। ये बार बार नहीं बोल सकती मैं। रखो, मैं तुम्हें यार ही छोड़ के चले जाऊंगी। रखो, पैसा बर्बाद मत करो। अभी तुम्हारा बर्थडे गया है ना, सारा चीज दिया था मैंने। रखो इसको, रखो। छोटी तुम ये गिफ्ट करेगी? नहीं, छोटी नहीं करेगी। छोटी भी नहीं, मैं नहीं ले रहा, छोटी गिफ्ट कर रही। मेरा बुआ भी अब बच्चा बच्ची बन गई है, देख लो गाइस। रखो चलो, और चलो, नहीं किसी के लिए जरूरत नहीं है। चलो अभी आगे चलो सबके स्वाता है अतिरिक्त, तो मत पकड़ो, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लाइटिंग जला रखी है।